हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है फिर से मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नया सूटों का वीडियो। सूट जो है आज के बहुत ही दमदार होने वाले हैं, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं। जिनको लेना है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, जो कि व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर दिया गया है। अगर देर हो गई तो सूट निकल जाता है, फिर आप लोगों की शिकायतें रह जाती हैं कि सूट हमें नहीं दिया प्रियंका, आप हमें नहीं देती हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करके स्क्रीनशॉट भेजा करो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेमेंट जो है ऑनलाइन ही होती है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। और डिलीवरी गांव शहर दोनों जगह पे हो जाएगी, चाहे आप किसी भी गांव से हो, गांव में भी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और आज के जो सूटों के कलर रहेंगे ना, वो एकदम अलग रहेंगे, बाकी आज तक की सभी वीडियो से डिफरेंट कलर कलेक्शन रहेगा। सूट तो है ही है अलग, लेकिन कलर भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग इसके कलर हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही प्यारे कलर के, येल्लो कलर के सूट के साथ। येल्लो जो है कॉमन येल्लो नहीं रहेगा, ये मस्टर्ड कलर रहेगा। इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो मेहरून कलर की रहेगी। हाँ हाँ भेज दूंगी जो बोलेगा मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। निश्चय पूछ रहा है मम्मा, जो नीचे कमेंट में ये लिखेगा कि हमें ये वाला सूट बहुत अच्छा लगा, तो आप उसी को भेज दोगे ये सूट? हाँ उसी को भेज दूंगी, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी जो है देखो कितनी फिनिशिंग के साथ दी हुई है, मेहरून कलर का। इस तरीके से गले पे कढ़ाई मिलेगी आपको, सिर्फ सूट के गले पे ही नहीं, ये इतनी बारीकी के साथ जो एम्ब्रॉयडरी है, ये आपको आगे भी दिखाऊंगी मैं कि सूट में कहाँ कहाँ दी हुई है। सबसे पहले तो ये टाई पट्टी पे ही देख लो आप, गले के नीचे टाई पट्टी पे दी हुई दी गई है। और इस गले को बोला जाता है नेकलेस गला, मतलब कि आपको इस वाले सूट को पहनने के बाद गले में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो है मैं ये सूट आपको नीचे से दिखा देती हूँ। ये जो है इसका बॉर्डर रहेगा, जो नेक का काम है ना, सेम उसी तरीके का, उसी फिनिशिंग के साथ जो है ये बॉर्डर भी रहने वाला है। बॉर्डर के नीचे गोटा भी दिया हुआ है, गोटे वाली लेस दी हुई है। ये कढ़ाई की फिनिशिंग देखो एक बार आप, एक धागा आपको कहीं से इधर से उधर नहीं मिलेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और ऊपर ये मेहरून कलर की पाइपिंग भी निकाली हुई है बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए। ये जो है इसके स्लीव्स रहेगी, मैं आपको पास से भी बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी समझा देती हूँ। ये एक बड़ा बूटा आएगा यहाँ पे, और फिर जो ये छोटी छोटी बूटियाँ हैं वो यहाँ पे आएंगी, और जो ये एम्ब्रॉयडरी है ये आपके यहाँ पे आएगी। मतलब जितनी भी स्लीव्स आप बनवाना चाहो बनवा सकते हो, हाफ बनवाना चाहो हाफ करवा सकते हो, थ्री फोर्थ करवाना चाहो थ्री फोर्थ करवा सकते हो। एक बार मैं आपका आपको इसका काम दिखा देती हूँ पास से। ये इस तरीके से स्लीव्स रहेंगी, स्लीव्स भी जो है आपको पूरी भरी मिल रही है। इतने रेट में इतना अच्छा सूट मेरे हिसाब से मार्केट में आपको नहीं मिल सकता। ये जो कलर अभी आप देख रहे हो ना, ये कलर प्रॉपर है सूट का। बॉटम जो है आपको इसकी कंट्रास्ट में मिल जाती है, मेहरून कलर की, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी थी तो सेम मेहरून कलर की ही आप, ठीक है। नेक, मुझे तो इसका कलर और नेक दोनों ही चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं। अब जो मैं आपको इसकी जान दिखा देती हूँ, जो कि इस सूट को इतना हैवी बना देगी ना, आप इसको किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आराम से पहन सकते हो। ये जो है इसका बॉर्डर रहेगा, चारों तरफ का बॉर्डर यही रहेगा। दुपट्टा जो है आपको डबल शेड में मिलेगा, पल्ले होंगे इसके येल्लो जो कि सलवार की तरफ पड़ेंगे, और बीच में से होगी ये मेहरून इस तरीके से। दुपट्टे की जो चौड़ाई है पहले मैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि फैंसी दुपट्टे में अक्सर होता ये है कि स्टॉल साइज दुपट्टा दे देते हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर जो हैं गांव से हैं, और गांव में सर पे पल्ला घूंघट ये सब चीज़ें होती ही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉल साइज दुपट्टे ना लेकर के आऊँ। स्टॉल वाले भी सूट मेरे पास हैं, लेकिन जिनमें स्टॉल होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इस दुपट्टे की चौड़ाई देख सकते हो, ये दुपट्टा रहेगा। ये
दुपट्टा जो है मैं आपको एक बार ओढ़ के दिखा देती हूँ इसका, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं छोटा तो नहीं होगा या ये देखो ये रहेगा इसका दुपट्टा। पहले तो आप लुक देख लो, सर पे डलते ही एकदम से चेंज हो गया है ना। ये इसका देखो मैंने नीचे छोड़ा हुआ है इधर, और ये दुपट्टे की लेंथ और ये दुपट्टे की विड्थ रहेगी, तो ये सूट का पूरा लुक रहेगा अगर आप सर पे पल्ला रखते हैं तो। चलिए अब मैं जो है आपको इसका सेकंड कलर दिखा देती हूँ। इसमें कलर ऑप्शन दो ही होंगे, एक तो ये हो गया येलो और मेहरून का, दूसरा भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इसका दूसरा कलर आपको मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फिरोजी कलर। फिरोजी कलर मतलब कि लाइट फिरोजी नहीं है ये, जिसको मोर के गर्दन वाला कलर ब्लू बोला जाता है ना, ये वो ब्लू कलर है। वही सेम इसका बॉर्डर रहेगा, सेम उसी तरीके का, वही इसकी बाजू रहेंगी बिल्कुल सेम। बॉटम जो है इसकी रहेगी डार्क ब्लू, आपको पता ही है लाइट ब्लू के साथ हमेशा डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता ही लगता है, और आता भी मोस्टली यही है। और दुपट्टा भी इसका ये रहेगा, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे तो देखो पर्सनली काफी पसंद है। आप भी बताना आप में से किन किन लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। देख ये ठीक है, अब आप इन दोनों में से जो भी कलर लेना चाहते हैं प्लीज उसी का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पे। अब जो है मैं आपको एक और सूट दिखाने जा रही हूँ जिसका कलर रहेगा पिंक। जो पिंक अभी आपको दिख रहा है सेम वही पिंक रहेगा, ग्रे कलर की पाइपिंग के साथ इस तरीके से नेक रेडी किया गया है। यहाँ पे ये पूरे नेक पे कढ़ाई का काम दिया हो गया है सिक्वेंस वर्क के साथ, और यहाँ पे कढ़ाई का डिजाइन चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है। ये आपका सूट रहेगा पूरा, सूट की जो लेंथ है वो 45 समथिंग रहेगी ही रहेगी हर सूट की, सारे ही सूटों की। ये जो है आपको नीचे बॉर्डर मिल जाता है इस तरीके का, बॉर्डर पर ये जो है दुपट्टा जो आएगा ना उसकी पट्टी दी हुई है, सलवार भी इसी कलर में आएगी, और ये रहेगा नीचे समोसा लेस के साथ नीचे वाला सीक्वेंस वर्क पे हैवी बॉर्डर। सूट जो है मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कट वगैरह में दिक्कत होगी, इस वजह से सूट नहीं खोल के दिखाया। लेकिन ये सूट ना खोलने का रीज़न सिर्फ इतना था कि ये सूट मैं अपनी वीडियो में पहले भी लेके आ चुकी थी, कलर चेंज थे, उसका सूट था ग्रे कलर और बॉटम थी पिंक कलर। लेकिन अब की बार मतलब उस सूट का जाने के बाद ना बहुत सारे मैसेज आए थे, तो ये मुझे दोबारा लेकर के आना ही पड़ा, और इस बार मैं लेकर आई हूँ उल्टा हो गया है। मतलब पिछली बार ग्रे सूट था, अब की बार ग्रे बॉटम हो गई है, पिंक बॉटम था और अब की बार पिंक सूट हो गया है। बाकी ये रहेगी इसकी ग्रे कलर की बॉटम। अब जो मैं इसको दुपट्टा दिखा देती हूँ, दुपट्टा इस सूट को मतलब बेहद खूबसूरत बना देगा। ये सूट मेरे 3 कस्टमर के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये रहेगा इस सूट का दुपट्टा, पहले आप बॉर्डर देख लीजिए दुपट्टे का, चारों तरफ आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा हैवी, पहले सीक्वेंस वर्क का बॉर्डर और फिर इसको हाईलाइट किया समोसा लेस के साथ, और ये दुपट्टा मिलेगा। ये जो सूट दुपट्टे में जो ये शाइन देख रहे हो ना आप, ये चेक देख रहे हो, ये प्रिंट नहीं है, ये दुपट्टे के अंदर ही वीविंग का काम है, मतलब इसमें से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। जैसा आप आज ले रहे हो वैसा ही आप 10 बार धोने के बाद भी इसको देखोगे, इस तरीके का ये दुपट्टा रहेगा। इस सूट में जो है मेरे पास सिंगल ही कलर होगा, पीस इसके 2 हैं मेरे पास लेकिन कलर सिंगल ही है। और अब जो है मैं आपको एक ऐसा सूट दिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कम रेंज में रहेगा। सूट का ये वाला कलर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, कलर जो है रहेगा इसका रामा ग्रीन। ये जो कलर आ रहा है, जो कलर आप देख रहे हो सेम वही कलर रहेगा, और सूट का प्राइस तो आप देख ही रहे होगे कि कितना कम प्राइस में आपको ये बेहद प्यारा कॉटन का सूट मिल रहा है। ये रहेगी इसकी टाई पट्टी, और ये रहेगा पूरे सूट पे एम्ब्रॉयडरी का काम। ये जो छोटी छोटी बूटियां आप देख रहे हो ये पूरे सूट में नीचे तक आएगा। पहले मैं आपको जो है इसका बॉर्डर दिखा देती हूँ, ये रहेगा बॉर्डर,
बॉर्डर को भी प्लेन नहीं रखा है कि बूटियों के साथ खत्म कर दिया, अगर कम रेंज का सूट है तो नहीं, फिनिशिंग दी है बॉर्डर पे भी, किनारी पे देखो ये जो कढ़ाई है ये कितनी बारीकी के साथ है, और टाई पट्टी तो इसकी है ही बहुत फिनिशिंग के साथ, कोई पैच नहीं है ये, पूरे पे कढ़ाई है ये, ठीक है। ये रहेगा सूट इस तरीके का, और इसका दूसरा कलर भी काफी प्यारा है, दोनों ही कलर काफी अच्छे हैं सूट के, और दुपट्टा भी आप देखकर खुश हो जाओगे। बॉटम इसमें दिखाने का नहीं है बॉटम, क्योंकि सेम कलर रहेगा, टोन टू टोन है बॉटम, और दुपट्टा देखिए आप, प्योर शिफोन का आपको इसमें दुपट्टा मिल जाएगा, ये प्रिंट में रहेगा दुपट्टा, और दुपट्टे की प्रिंटिंग देखिए, ये आपके दुपट्टे की प्रिंटिंग रहेगी, दुपट्टे की लेंथ, दुपट्टे की चौड़ाई, दोनों चीज़ों की गारंटी मेरी है, लंबाई चौड़ाई में आपको कट में मतलब कहीं से कोई फर्क नहीं मिलेगा। लग रहा है ना कलर बहुत ही प्यारा, मैंने जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आज के सूटों के कलर जो है एकदम अलग रहने वाले हैं, तो देखो ये इसका दुपट्टा रहेगा, और मैं लगा के सिर्फ इसीलिए दिखाती हूँ, वैसे तो मैं चाहूँ तो वीडियो बेड पे बिछा के टेबल पे बिछा के भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है लगा के ही दिखाने से है ना सूट मतलब थोड़ा पता चल जाता है कि ये सूट बनने के बाद किस तरीके का रेडी होगा, मतलब किस तरीके का लगेगा सिलने के बाद, ये रहेगा दुपट्टा, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसका दूसरा कलर दिखा देती हूँ, ये कलर रहेगा, कलर देखो आप सूटों के कितने प्यारे प्यारे कलर हैं ये, ठीक है। खोलने की मेरे ख्याल से इसको कोई जरूरत नहीं है, ये रहेगा इसका दुपट्टा, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, मतलब कहीं कोई फर्क नहीं है बिल्कुल, ये दुपट्टा रहेगा ये। अब जो है मैं आपको एक ऐसा सूट दिखाने जा रही हूँ जो कि सिर्फ एक ही पीस मेरे पास रह गया है, क्योंकि उसके बाकी सारे कलर जो है व्हाट्सएप पे से चले गए थे, और इस सूट में जो खास देखने वाला रहेगा वो आप ध्यान से सुनते जाइए कि ये सूट किस तरीके से इसका नेक तैयार किया गया है। पहले आप इसका काम देख लो नेक पे, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कढ़ाई है नेक पे, और साइड में जो समोसा लेस है ये वैसे तो गोल्डन कलर में चलती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना ये समोसा लेस नहीं है, ये पूरी कढ़ाई है, पूरी की पूरी ये कढ़ाई है, जो आप ये ग्रे ग्रे से कलर में देख रहे हो ये भी, और ये जो साइडों में है रेड कलर में ये भी, पाइपिंग के साथ जो है गोल्डन कलर की नेक रेडी किया गया है राउंड शेप में, और ये बना के ये नेक रेडी करके इतना सा, और फिर जो है आपको ये प्लेट्स मिल जाएंगी जिनको कि पिंटक्स बोला जाता है, उसके बाद फिर ये कढ़ाई मिलेगी आपको, फिर पिंटक्स का काम मिलेगा, और फिर ये कढ़ाई, पहले जो पैच वाले सूट आते थे ना उनमें जो है सूट मतलब पैच यहाँ पे खत्म कर दिया जाता था यहाँ पे, लेकिन इसका जो पैच है ना आपको ये यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि, और जो कढ़ाई है ना, पैच नहीं है सॉरी, इसमें तो ये कढ़ाई का काम है, उस पे ये छोटे छोटे मोतियों से जो है इसको हाईलाइट किया है एम्ब्रॉयडरी को, और मोती जो है कोई पेस्टिंग का काम नहीं है, सबके सब स्टिच है, धागे से जो है अंदर स्टिच किए हुए हैं, ये मैं अंदर की तरफ से दिखा रही हूँ, ये बॉर्डर आएगा इस सूट का। बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम जो है इसकी रहेगी प्लेन, और बॉटम प्योर कॉटन में रहेगी इसकी, अप्रॉक्स 3 मीटर ही इसकी बॉटम आएगी, लिखा हुआ है 3 मीटर लेकिन 2.70 की मेरी गारंटी है इसकी। दुपट्टे पे जो ये चारों तरफ बॉर्डर दिया जाता है मतलब कि लेस है, वो समोसा लेस मिलेगी आपको इस तरीके की ये। अब जो ये दुपट्टे की प्रिंटिंग दिखा देती हूँ, ये वाली प्रिंटिंग देखिए, ये जो फ्लावर है उसको इग्नोर करिए, और ये जो सेल्फ प्रिंट है ये देखिए कितना प्यारा सेल्फ प्रिंट है इसके अंदर। अब आ जाते हैं दुपट्टे के फ्लावर प्रिंटिंग पे, जो कि एकदम डिजिटल प्रिंट है, ये प्रिंट इस तरीके का आपको दूर से ऐसा लुक देता है जैसे कि पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, दुपट्टे में ये जो है ये बीच बीच में ये वाला जो है ये ये ये
ये विविंग का काम है, मतलब कहीं से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने दुपट्टा धोया और सब कुछ छूट गया। दुपट्टे का जो फैब्रिक रहेगा वो रहेगा ओपाड़ा सिल्क में। अब जो है मैं आपको दुपट्टे का प्रिंट दिखा देती हूँ। इस तरीके का लगेगा ये सूट आपका। मेहंदी ग्रीन जो है इसका सूट का कलर रहेगा। नेक जो है आपको बना बनाया मिल जाएगा इसमें। माहिरा ब्रांड का ये सूट रहने वाला है। प्योर जाम कॉटन इसका फैब्रिक रहेगा। पूरे सूट पे यहाँ से लेके और नीचे तक ये जो सिरोस्की वर्क होता है वो मिलेगा आपको छोटा छोटा पूरे सूट में। और ये आपको इसका नेक मिल जाता है। नेक पे ये बीच में लेस लगी हुई है, इधर मिरर वाली लगी हुई है, और यहाँ पे ये पोटली बटन्स के साथ जो है टाई पट्टी तैयार की गई है। मतलब ये छोटे छोटे कामों के ही सूट में कपड़े में पैसे होते हैं। ये पाइपिंग देखो, पहले पाइपिंग लगाई गई है, फिर पोटली बटन्स लगाए गए हैं, इधर मिरर वर्क किया गया है। ये आपकी टाई पट्टी रहेगी, कुछ कलरफुल सी टाई पट्टी। ठीक है, मैं आपको इसका बॉर्डर दिखा देती हूँ, जो कि आपको इसके नेक से भी हैवी मिलेगा। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 45+ जो है इसकी लेंथ रहेगी रहेगी। ये जो है आपको सूट का बॉर्डर मिल जाता है। ये सूट का बॉर्डर रहेगा। एक बार आप बॉर्डर की फिनिशिंग देखो, मतलब मेरे किसी भी सूट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इधर से धागा निकला हुआ, उधर से धागा लटक रहा है, एम्ब्रॉयडरी के धागे खिंच रहे हैं, नहीं। दुपट्टे पे ये जो है आपको पल्ले की तरफ ये कटवर्क वाली लेस मिल जाएगी। ये चीज मैं आपको पहले इसीलिए ही दिखाती हूँ क्योंकि फिर ओढ़ते टाइम ये चीजें आप नोटिस नहीं कर पाते हो। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रहेगी दुपट्टे की चौड़ाई, मतलब कि स्टॉल साइज नहीं है इसका। दुपट्टा भी पूरा आपको आपकी चुन्नी वाले साइज का ही मिलता है। आप सर पे भी ओढ़ना चाहते हो, और इसका भी जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट ही रहेगा। अगर आप सर पे रखना चाहते हो तो खूब आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा रहेगा बंधेज का, जो कि हर औरत का, हर लड़की का पसंदीदा प्रिंट होता ही होता है। मुझे तो काफी पसंद है, आप में से किस किस को पसंद है बताना मुझे। मल्टी कलर में दुपट्टा रहेगा, मतलब कि इसका ऐसा सीन है, अगर आपने एक ये सूट ले लिया ना, और फिर चाहे आप कितने ही प्लेन सूटों के साथ, कितने ही ऐसे सूटों के साथ इसको पहन लेना जितने कि इसमें कलर दिए गए हैं, मतलब कि जिनके आपके पास दुपट्टे नहीं है, कोई भी प्लेन सूट रेडी करवा के आप उसके साथ इसको पहन सकते हो। दुपट्टा दुपट्टा अगर मार्केट में लेने चले जाओ तो ये होता है कि ये वाले दुपट्टे ना 250-300 से कम के नहीं मिलते हैं। क्रश में रहेगा ये दुपट्टा। ये प्रिंटिंग देखो एक बार, जयपुरी प्रिंट है पूरे दुपट्टे में। बंधानी दुपट्टा इसको, सॉरी बांधनी दुपट्टा इसको बोला जाता है। ये दुपट्टा रहेगा, बॉटम जो है सेम रहेगी मेहंदी कलर में ये। ठीक है, ये सूट रहेगा। इसका जो सेकंड कलर रहेगा वो रहेगा ये लाइट एकदम स्काई ब्लू कलर है ये। और ये रहेगा इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो है दोनों का सेम ही मिलेगा आपको। ये वही एकदम सेम बॉर्डर, बॉर्डर मतलब सब कुछ आपको उसी तरीके का मिलेगा। बस आपको कलर पसंद करना है कि आपको लाइट कलर पसंद है या डार्क कलर पसंद है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप मेहंदी की तरफ जा सकते हो, अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो आप ये कलर ले सकते हो। आज के इस वीडियो को जो है मैं अब यहीं से एंड करूंगी, और फिर मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर सूट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।